जब ईश्वर हमारे लिए एक रास्ता बंद करते हैं तो हजारों नए रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। जरूरत होती है सही डायरेक्शन में सही एफर्ट की। आइए इसे कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक एस्पिरेंट की, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो करीब 6 ईयर्स से प्रिपरेशन में लगा हुआ था, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो फाइनल राउंड से बाहर हो जा रहा था। वो प्री मेंस तक क्वालिफाई कर ले रहा था, इंटरव्यू तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनल मेरिट से वो बाहर हो जा रहा था। उसका लास्ट अटेम्प्ट भी निकल गया, वो ओवर एज हो गया। अब उसे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैंने 6 साल अपनी लाइफ के इस प्रिपरेशन को दे दिए, लेकिन मुझे क्या मिला, मैं ओवर एज हो चुका हूं। अब मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था वो मैं कर भी नहीं पाऊंगा, अब क्या फायदा। एक टाइम पे उसके दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे तो अपनी लाइफ ही खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं लाइफ में फेल हो गया। लेकिन उसने फिर से डिसाइड किया कि मैंने जो सोचा था शायद मैं वो नहीं पा पाया, लेकिन मैं कुछ तो पाके ही रहूंगा, ऐसे ही नहीं बस गया दुनिया में और वापस आ गया, ऐसे तो लाइफ नहीं जीनी मुझे। उसने स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम्स देना शुरू किया, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 ईयर्स से तैयारी कर रहा था तो उसकी तैयारी का लेवल काफी अच्छा था। उसने एक ही बार में यूपी पीसीएस एग्जाम क्लियर कर दिया। आज वो एस्पिरेंट एक एसडीएम की पोजीशन पे है। क्या समझ आता है हमें इस कहानी से? लाइफ में सफलता का कोई निश्चित टाइम नहीं है, पता नहीं कब किस मोड़ पे आप सफल हो जाएं। मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। थैंक यू।